आखिरकार कांग्रेस ने मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से सत्यपाल सिकरवार नीटू को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन इसके बाद अब कांग्रेस में अंतरकलह शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस का टिकट फाइनल होते ही पूर्व मंत्री और कद्दावर कांग्रेस नेता रामनिवास रावत ने नाराजगी जताते हुए अपनी चिंता व्यक्त की है। देखिए यह रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की, जिसमें मुरैना लोकसभा सीट से सत्यपाल सिकरवार को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद अब चंबल कांग्रेस में हलचल पैदा हो गई है और मुरैना चंबल क्षेत्र के कद्दावर नेता रामनिवास ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया गया है, लेकिन मैंने जीतू पटवारी जी से कहा है कि मुझे चंबल की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दो, यहाँ कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, यहाँ तो प्रत्याशी जीत ही रहा है और जिन्हें टिकट मिला है उन्हें और ऊपर वालों को कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, जीतने वाले प्रत्याशी हैं। जिम्मेवारी नहीं, मेरे कर्तव्य है कांग्रेस के लिए काम करना, कांग्रेस को जिताना, पर मैं चंबल की जिम्मेवारियों को वापस लेकर मैं कहीं दूसरी जगह जाने के लिए मैंने जीतू पटवारी जी से कहा है कि मुझे कहीं और लगा दो, अब यहाँ तो जीतने वाले प्रत्याशी हैं ही, यहाँ कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, दूसरी जगह कार्यकर्ता, उन्होंने उन्हें ऊपर वालों को या उन्हें इनको टिकट मिला है, शायद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, जो प्रत्याशी आए हैं वो जीतने वाले प्रत्याशी हैं बिना किसी के सहयोग के, उन्होंने उन्हें ऊपर वालों को या उन्हें इनको टिकट मिला है, शायद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, जो प्रत्याशी आए हैं वो जीतने वाले प्रत्याशी हैं बिना किसी के सहयोग के जीतेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी की सूची जारी होते ही कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, श्योपुर।